नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 5G versus Vivo T1X 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 5G में 6.4 इंच जबकि T1X 4G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 9 5G में 2.94 इंच जबकि T1X 4G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 9 5G में 188 ग्राम्स जबकि T1X 4G में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9 5G में 6.5 इंचेस जबकि T1X 4G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 9 5G में 1080x2400 और T1X 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9 5G में 83.92% जबकि T1X 4G में 84.65% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 9 5G में 405 पिक्सल प्रति इंच जबकि T1X 4G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 9 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और T1X 4G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 9 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T1X 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और T1X 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9 5G में Mali G57 MC2 जबकि T1X 4G में Mali G68 MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 और T1X 4G में MediaTek Dimensity 900MT6877 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि T1X 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि T1X 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 9 5G में अप टू 1TB जबकि T1X 4G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें T1X4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 9 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo T1X 4G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में T1X 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T1X 4G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Samsung Galaxy M31s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।